तो बड़ा कम ले रहे हैं। चेंज है इनकी दार इस्लाम की तरफ से सर्विस है जी। तो भी बस कैसे, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में पेश हाजिर हूँ। आज आपको दिखाना है बाजार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। ये मार्केट है जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है। अब हम दाखिल हुए हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं ये बाजार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की सारी शॉप्स हैं। नीचे बेसमेंट पे शॉप्स हैं, आगे भी चलो आपको दिखाता हूँ। ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम के साथ ही ये मार्केट मौजूद है। यहाँ तकरीबन हर चीज़ मिलती है मुनासिब रेट पे। शॉप्स हैं ये बच्चों के कपड़ों की दुकानें हैं, ये स्वेटर कोट वगैरह, क्योंकि यहाँ काफ़ी ठंड होती है। इसके अलावा आगे जो शॉप्स हैं यहाँ पे केक्स वगैरह तस्वीर होते हैं, ये भी कपड़ों की दुकान है, आप देख सकते हैं। ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की तरफ से शटल सर्विस है जो ज़ायरीन के लिए होती है, एक शहर में दूसरे शहर में जाने के लिए। आप देख सकते हैं इरफान और बेवकार साथ मौजूद हैं। ये शहर ये ज़ायरीन के लिए एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए पैम्बर आ जाने। एंड सो हमने करेंसी चेंज कराई है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के 1000 जहाँ ईरानी 1,25,000 तुमान बनता है। ईरान तरक्की के लिहाज से तो शायद अगर इन पे पाबंदियाँ ना होती तो ये चीन के बराबर होता, लेकिन क्योंकि यहाँ अमेरिका की तरफ से और आलमी दुनिया की तरफ से पाबंदियाँ हैं तो इनकी करेंसी बहुत लो है, लेकिन बहुत तरक्की याफ्ता और डिसिप्लिन कौम है। ये करेंसी चेंज है इनकी, ये 50,000 का नोट है। हमारा तकरीबन पाकिस्तानी ये 400 रुपये बनता है 50,000 का नोट जो है जी। तो ये देख सकते हैं ये तो बड़ा कम ले रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने मेरे पास आना तो है। क्या देख सकते हैं जी, ये मिक्स है तकरीबन, इसमें हर चीज़ होती है खाने। इसके अलावा ये सोहान हलवा है, ये ईरान की मशहूर सौगात है। इसके अलावा चॉकलेट वगैरह है, चने हैं, किशमिश है। इंशाल्लाह आप जब आएंगे मेरे पास तो आपको भी खिलाने हैं। तकरीबन आप चीज़ दिखा रहा हूँ, आप सपोर्ट किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें। किशमिश हो गया, बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, तकरीबन हर चीज़ होते हैं, मिक्स होते हैं जी। तो ये है बाजार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, ये मार्केट है पूरी। ये अब तो बंद हो गई है तकरीबन, ये तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर पे है मुहित। हर किस्म की दुकानें यहाँ पे मौजूद है, ये परफ्यूम की दुकान, ये आगे बच्चों के खिलौने की दुकान, तबरक वॉच वगैरह, ग्लासेस, ये भी तबरक की दुकान है। ज़फ़रान पड़ा है सामने, ये बच्चों के सामान, तस्बीह वगैरह। ये तकरीबन बाबे रज़ा से आगे आके ये मशरक़ की तरफ ये मौजूद है बाज़ार। हमने भी तकरीबन ये कोई जैकेट ली है, ये 5.5-6 लाख की मिली है ईरानी।
पाकिस्तानी हज़ार यहाँ लाखों में बनते हैं, तो ये कोई 4-4.5 हज़ार के बनते हैं। ये आप देख सकते हैं मज़ार, ये भी वही तबरक ये शॉप। क्योंकि यहाँ काफ़ी सर्दी होती है मौसम, यहाँ बर्फ़बारी भी होती है, नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के स्टार्ट में स्टार्ट हो जाती है बर्फ़बारी। अब तो ये मार्केट बंद होने का टाइम हो गया है। ये बैंक के तिजारत बैंक, ये आप देख सकते हैं, ये बाजार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। अब बंद हो रही है दुकानें, रात के 10 बजे ये बाज़ार बंद हो रहा है। तकरीबन 1.5 किलोमीटर तो हमने किया है, आगे भी बाज़ार मौजूद था लेकिन बंद होने का टाइम है, तो वो शॉप्स बंद हो रही हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बाज़ार, और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब भी है ये, यहाँ देख सकते हैं। करेंसी का भी मैंने आपको दिखाया है, यहाँ 1,000 पाकिस्तानी का 1,25,000 तुमान ईरानी मिलता है। ये आप देखिए, ये चादरें वगैरह लेडीज़ के लिए, तकरीबन इस्तेमाल की हर चीज़, ये परफ्यूम आप देख सकते हैं, ये हिजाब वगैरह। तो ये था बाज़ार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जो मैंने आपको दिखाया है। करेंसी भी चेंज करे वो भी आपको दिखाई है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मिलेंगे, दीजिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया।